हम लोग बात कर रहे हैं UPSC 2022 विज्ञापन की सूचना की बात कर रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट कब तक आ सकता है और कितनी पोस्टें हो सकती हैं। क्या इस बार भी 2021 की तरह अधिकतम पोस्टें सिर्फ GIC इंटर कॉलेज या अन्य विशिष्ट योग्यता वाली हो सकती या सामान्य योग्यता की पोस्टें कितनी रहेगी, इन सब की जानकारी और एग्जाम से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट डाटास व महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उन सब की बात करेंगे। साथ ही अन्य विभागों की आने वाली भर्तियों की बात करेंगे और इस वैतरणी को कैसे पार करें, इन सब की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग ये पेपर देख लेते हैं। इस पर लिखा हुआ है, इसी माह निकलेगी PCS 2022 की भर्ती। PCS यानी संवित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2022 की भर्ती के लिए प्रतियोगी छात्रों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागों से खाली पदों को भरने के लिए अधियाचन मांगा गया है। अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों का अधियाचन मिला है। कुछ विभाग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। अध्याचन से मिलने वाले पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। आयोग के अधिकारियों का कहना है कि फरवरी महीने के अंत तक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की उम्मीद। कब तक, यानी कि लास्ट फरवरी तक आपका विज्ञापन आ जाएगा। लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में जो PCS की डेट है, प्री कब है, 12 जून को सम्मिलित राज्य प्रव अधीनस्थ सेवा तथा सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2022 को है। इसका विज्ञापन फरवरी में निकालने की संभावना, क्योंकि अगर ऑनलाइन आवेदन एक महीने तक चलता है, इसके बाद आवेदन पत्रों की छटाई होगी और इसमें लगभग 15-20 दिन लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया पूरी होने तक अप्रैल का आधा महीना बीत जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र बनाने के निर्धारण आदि का काम शुरू होगा, जिसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसे विज्ञापन विलंब हुआ तो PCS की प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को नहीं हो पाएगी। इसीलिए आयोग चाहता है कि विज्ञापन जल्दी निकाला जाए। यानी कि मोटी मोटी बात आप ये देख के आए हैं कि अभी तक 12 विभागों से लगभग 150 पदों की सूचना मिली है और अंत तक 250 पदों की सूचना मिल जाएगी। जैसे ही 250 पदों की सूचना आती, वैसे ही PCS का विज्ञापन फरवरी के लास्ट तक आ जाएगा। और एक काम और आप लोग आज ही से करना शुरू करें। मैंने पहले भी कहा है कि इसके अलावा जो अन्य भर्ती, जैसे इस बार अभी LT की भर्ती भी आने वाली है और GIC की भर्ती भी आएगी और उस पर अलग से वीडियो, लेकिन PCS की अगर हम बात करें तो घटना चक्र बैक ईयर को आप आज से लेकर 12 जून तक डेली 1 घंटे बैक ईयर को सॉल्व करने पर दें। 1 घंटा मस्ट घटना चक्र, इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। इसके अलावा जैसे पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत को बिल्कुल रट डालिए मंथन की तरह, ज्योग्राफी में चाहे तो सविंद सिंह या परीक्षा वाणी को रट डालिए, हिस्ट्री में तो आपने घटना चक्र और जिसका ऑप्शनल है या नहीं ऑप्शनल है तो SK पांडे से भी काम आप चला सकते हैं। कल्चर में आपको है ना सिंघानिया या TMS की बुक ले सकते हैं। साइंस के लिए लूसेंट या घटना चक्र, दोनों को माध्यम बना करके और करंट पर जरूर फोकस करिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर ब्रह्मास्त्र सीरीज जो डेली चल रही है 15 क्वेश्चंस वाली, उनको रटते रहिए, करंट में पूरा करा दूंगा। और बाकी जो जो वीडियो यहाँ पर पड़े हुए हैं हिस्ट्री के, पॉलिटी के, सिविक्स, वो सभी एग्जाम्स में आने वाले हैं। और अब आप ये मान के चले कि आपको 70% स्कोर करना है, 15, 7, 105, 15, 70, 105, यानी कि 70% से कम मान के नहीं चले, तभी आप श्योर होंगे। बाद में किंतु परंतु 8 क्वेश्चन गलत, 2 भदावरी भैंस ले गई या भेड़ ले गए, इन पर आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयोग अभी बहुत ज़्यादा सुधार करने के मूड में है नहीं अपनी स्थितियों में। कहता तो आयोग हर बार है, लेकिन अभी भी उसने आरओ में क्या किया पता नहीं, कौन सा आंसर सही माना कौन सा गलत माना, इस पर आयोग कुछ जानकारी देता नहीं है। इसलिए हम 70% को टारगेट करके चलेंगे और आज से ही जुड़ जाइए। जिनका नहीं हुआ वो निराश नहीं हो, अगली बार निश्चित रूप से होगा। सफलता और असफलता के बीच एक मध्यम सा अंतर होता है, वो आप सब जानते हैं। कौन सी हथौड़े की चोट कील को दीवार के आर पार कर देगी आप भी नहीं जानते। तो निश्चित रूप से अपने विश्वास को, आत्मविश्वास को बनाए हुए PCS प्री की तैयारी में अब जुट जाइए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग उत्तराखंड भी दे रहे हैं, उसका 3 अप्रैल को है, फिर तो आपके पास समय भी नहीं है। और मेंस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हुए रखते रहिए, विज्ञापन इसी माह के अंत तक PCS का आ जाएगा। हाँ, इसमें इस बार
एंटी की पोस्टें भी हैं, बीडीओ की पोस्टें भी हैं, बड़ी मात्रा में हैं, नायब तहसीलदार और एआरटीओ बीएसी की पोस्टें भी इसमें इस बार हैं। हाँ, विशिष्ट पोस्टें इस बार कम रहेंगी, सामान्य पोस्टें रहेंगी। तो आप निश्चित रूप से तैयारी करिए और आप एक सफलतम करियर की ओर बढ़ेंगे। बाकी जानकारी के वीडियो में, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।